बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है मटन कोफ्ते। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे मटन कोफ्ते के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। कोफ्तों के लिए मेरे पास है आधा किलो कीमा। तो सबसे पहले मैं इसके बनाऊँगा कोफ्ते। तो उसकी मेरीनेशन के लिए मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून भरा हुआ बेसन, इसको मैंने भून लिया है, भुना हुआ बेसन, और 1 अदद प्याज, कच्चा प्याज, इसको भी छोटे छोटे चॉप कर लिए। और इसके अलावा मेरे पास है 3 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 हरी मिर्च, इसको भी छोटे छोटे चॉप कर लिए। और 2 डबल रोटी के स्लाइस को मैंने सोख करके पानी में उसके किनारे काटे हैं, वो भी शामिल करूंगा। और जो इसमें मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इसमें मैं डालूंगा 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। इन तमाम चीजों को मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसको अच्छी तरह ब्लेंडर के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल फाइन। फिर मैं इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाऊंगा। कीमे को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है, अभी मैं इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाऊंगा। और मैंने कोफ्ते के बॉल भी तैयार कर लिए हैं। मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया था और इसमें मैंने अभी शामिल कर दिया है और 3 अदद प्याज को जो मैंने ब्राउन करके और दही को अच्छी तरह ग्राइंड करके अभी मैंने शामिल कर दिया। अभी मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगा। मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है तो मैं अभी डालूँगा इसमें तकरीबन 3 कप गर्म पानी ग्रेवी के लिए। तमाम कोफ्तों को मैंने ग्रेवी में डाल दिए है, अभी मैं इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आग पे पकाऊंगा जब तक कोफ्ते बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। तो फिर इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते रेडी हैं, बहुत ही नरम सॉफ्ट, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।